हेलो दोस्तों, आर्ट टेक्निकल इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको एक लाइक कर दीजिए। जो भाई न्यू है, फर्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और वास्ट टाइम नहीं हुआ, अगर वास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो 12 मंथ के बाद क्या होगा, या 12 मंथ जब हो जाएगी जब क्या होगा, या तो फिर हमारा वास्ट टाइम पूरा हो गया है और 1K सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए तो 12 मंथ के बाद क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरी डिटेल देने वाला हूँ और आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखिए, स्क्रीप मत कीजिए तो ये आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं, अगर कोई भाई के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और उनका 4000 घंटा वास्ट टाइम अगर पूरा नहीं हुआ है और वो 12 मंथ पूरे हो गए उनके, तो आगे क्या होगा। तो दोस्तों उन भाइयों को डरने की कोई बात नहीं है, अगर उनका 4000 घंटा वास्ट टाइम पूरा नहीं हुआ है और 12 मंथ हो गए, 1000 सब्सक्राइबर उन्होंने पूरे कर लिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 12 मंथ के बाद दोस्तों कुछ और मंथ के बाद उनके जो वास्ट टाइम जो पूरा हो जाएगा, उसी टाइम में उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि 12 मंथ के बाद अगर हमारी दोनों में से एक चीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो हमारा चैनल या तो डिसेबल हो जाएगा या तो फिर मोनेटाइजेशन कभी ऑन नहीं होगा, मोनेटाइज नहीं होगा चैनल कभी भी, उनकी ये सोच है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब जो है वहाँ सिर्फ हम वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो पब्लिश करते हैं और किसी की वीडियो देखते हैं। दोस्तों हमें ऐड जो आती है, ऐड और जैसे हम मनी अर्न करते हैं, जैसे हम पैसा कमाते हैं, वो है गूगल एडसन, जैसे हमें ऐड मिलती है, जैसे हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ये दिमाग से ये ख्याल निकाल लीजिए कि अगर 12 मंथ में आपके वास्ट टाइम अगर पूरा नहीं होता है तो आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा या कभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा या मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल, ये बिल्कुल भी मत सोचिए दोस्तों। आगे आप कंटिन्यू वीडियो को रखिए, कंटिन्यू वीडियो डालते रहिए, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो आपका 101%, अगर आपके इस पर कोई क्लेम नहीं है, कॉपीराइट क्लेम या कोई भी आपने गड़बड़ नहीं की है, चैनल अच्छे से चल रहा है आपका, या आपने कहीं से फेक सब्सक्राइबर नहीं लाए है, या तो वॉच टाइम फेक नहीं है आपका जो रियल है सब, तो दोस्तों 101% आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और आपके चैनल पे एड्स भी आने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी 1000 सब्सक्राइबर वाले की और जिसके पास वास्ट टाइम नहीं था। अब दोस्तों रही बात उन लोगों की जिसका वास्ट टाइम तो पूरा हो गया है, 4000 घंटे उन्होंने पूरे कर लिए है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए और उनके 12 मंथ के लिए 5-6 दिन बाकी है या 12 मंथ पूरे हो गए, तो वो कंडीशन में वो क्या करें। तो दोस्तों उनको भी घबराने की बात नहीं है, सेम कंडीशन यही है कि उनका भी जब 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद, अगर वो रियल सब्सक्राइबर है और रियल वॉच टाइम है, तो उसके बाद उनका ऑटोमेटिक ही दोस्तों चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उनके चैनल पर भी एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कुछ फेक वीडियो देखने की वजह से डरते हैं कि यार 12 मंथ हो जाएंगे तो अब हमारा क्या होगा, अब तो हमारा चैनल डिसेबल हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं दोस्तों। जब भी आपके दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपका सब वॉच टाइम रियल है, सब रियल है, आपने कोई ऐप से कोई वेबसाइट से अगर ये चीज़ नहीं लाई है, तो 101% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और रही बात दोस्तों कुछ लोग जल्दी करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। वो जब वॉच टाइम काउंट होता है, सब्सक्राइब जब काउंट होते हैं दोस्तों, तो उस टाइमिंग में हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, इसके लिए रियल वॉच टाइम चाहिए और रियल सब्सक्राइबर चाहिए, तो इसका आप खास ध्यान रखिए। आई होप दोस्तों कि आपको सब बात समझ में आ गई होगी, या आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ भी मुझे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल।